को उस तरह से एक्सेल करते हुए नहीं देखा, और अगर देखा है तो उसके साथ हमेशा एक नेगेटिव कॉनोटेशन हमने खुद जोड़ दी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि नेगेटिव कॉनोटेशन की जब मैं बात कर रही हूं क्या है हमारे दिमाग में फिल्म मेकिंग से क्या आता है, नाच गाना, आइटम सॉन्ग्स, बॉलीवुड। क्यों? क्योंकि कभी हमने खुद उस फील्ड को एक्सप्लोर नहीं किया। मैंने आज तक ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी थी खुद अपनी आंखों से जो फिल्म पाकिस्तानी फिल्म देख के मैं कहती कि ये फिल्म मुझे देख के लगा है कि ये हमारे जैसे लोगों के बारे में है। मैंने कभी फिल्म में किसी औरत या मर्द का कैरेक्टर रिलेटेबल नहीं देखा था। मैं वाकई में फिल्म देखती थी और मैं कहती थी ये झूठ है, ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करता, ये हमारी सच्चाई नहीं है। सो मैंने NCA में अप्लाई किया, तब भी मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, बट मुझे पता था मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे कहानियाँ बतानी हैं, और जो कहानियाँ मैं देखती आई हूँ जो मुझे लगता है झूठ है, मुझे वो सब साइड पे करके सही सच्चे तरीके से कहानी बतानी है। मेरा दो डिपार्टमेंट्स में एडमिशन हुआ, फाइन आर्ट्स और फिल्म मेकिंग, जो कि काफ़ी रेयर होता है मेरिट पे। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा बेटा प्लीज़ फिल्म मेकिंग नहीं करो, तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल होगी, कल को जाके लोग बातें करेंगे, कल को जाके लोग सवाल उठाएंगे कि आपकी बेटी क्या कर रही है। मैंने फिल्म मेकिंग नहीं पढ़ी, मैंने फाइन आर्ट्स चूज़ किया, मैंने पेंटिंग मेजर चूज़ किया, लेकिन साथ साथ वो जो शौक था ना और वो जो पैशन था, तो जो मेरे फिल्म मेकिंग के फ्रेंड्स होते थे मैं उनके हर शूट पे जाती थी, कुछ खास करने नहीं। पहले मैंने कहा सीनियर्स होते थे, मैं कहती थी मैं आपके शूट पे आके आपको चाय पिलाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे देखना था, मुझे सिर्फ सीखना था। चाय पिलाने से शुरू किया, उन्होंने कहा ये तो तेज़ लड़की है, बड़ा अच्छा काम करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है बड़ी जल्दी, तो नेक्स्ट टाइम आप एज एन आर्ट डायरेक्टर क्यों नहीं आती अगर आप पेंटर हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, पता ही नहीं था आर्ट डायरेक्टर क्या होता है। घर गई, गूगल किया जल्दी से आर्ट डायरेक्टर होता क्या है, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, सर्च किया, कुछ आर्ट डायरेक्टर्स को लुकअप किया, तो पता चला अच्छा जो फिल्म में नज़र आता है विजुअल वो आर्ट डायरेक्टर ने बनाना है। अगले दिन पहले शूट पे गई, जैसे ही शूट ख़त्म हुआ सब ने कहा कि हमें तो लगता है तुम बनी इस चीज़ के लिए, इतना अच्छा तुमने किया। उस वक्त मुझे थोड़ा सा वैलिडेशन मिला कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब है शायद मैं कर सकती हूँ। और जो माहौल मैंने देखा सेट के ऊपर, फिल्म सेट के ऊपर, वो तो वो बिल्कुल भी नहीं था जो मुझे बताया गया था। सो ऑल माई लाइफ जो चीज़ें मैंने सुनी थी, जब तक मैं उधर गई नहीं मुझे नहीं पता चला कि वो झूठ हमें फीड किया जा रहा है, हमारा पर्सपेक्टिव नैरो कर दिया जाता है और हमें बताया जाता है ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है और उसके बीच में कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हमारे पास इनोवेटर्स नहीं हैं आज, इसीलिए हमारे पास आज ऐसे लोग नहीं हैं जो कि आर्ट की फील्ड में या फिल्म मेकिंग की फील्ड में या स्टोरी टेलिंग की फील्ड में दुनिया में जाने जाते हैं या उनकी इज्जत है। हमारे नेबर्स हैं ईरान, ईरान के अंदर मेरे फेवरेट फिल्म सारी ईरानी हैं, वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप फिल्म में क्या दिखा सकते हैं और क्या नहीं दिखा सकते। वहाँ पे चादर के बगैर आप फीमेल कैरेक्टर नहीं दिखा सकते, लेकिन उससे उनकी फिल्म मेकिंग की स्टोरी टेलिंग और नैरेटिव में मसला नहीं आया। ठीक है, इसी तरह उसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ, उस सेंसरशिप ने की वजह से उनको अपना दिमाग और चलाना पड़ा कि अगर हम मुआशरती मसाइल के ऊपर डायरेक्ट नहीं बात कर सकते तो हम किस तरह बात कर सकते हैं। फिर उन्होंने सिंबलिज्म यूज़ करना शुरू हुआ। एक फूल या एक बच्ची, एक कहानी है जो अवार्ड विनिंग फिल्म है, कि एक बच्ची की जूती खो जाती है, वो पूरी फिल्म वो बच्ची एक जूता ढूंढ रही है, सिर्फ इस बारे में है। लेकिन उस फिल्म के थ्रू पूरे मुआशरे के अंदर जितने मसाइल हैं वो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिए कुछ दिखाए बगैर। तो उनको दिमाग थोड़ा ज़्यादा लड़ाना पड़ता है बट काम हो जाता है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ,
मैंने बहुत डांटे खाए घर से। मेरे पेरेंट्स को नहीं पसंद था कि मैं ये करती, बट जब वो देखते थे कि मैं मेहनत करती हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने सिर्फ उनको एक दफ़ा कहा कि अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, मैंने आपकी सारी बातें मानी, पढ़ाई की, सब कुछ जैसे आपने कहा मैंने किया, तो मुझे एक दफ़ा चांस दें कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकूँ, क्योंकि वैल्यूज़ आप मुझे दे चुके हैं, मेरी रूट्स मुझे पता है क्या है, मुझे पता है कि मेरी बाउंड्रीज क्या हैं। अब मुझे अपनी इन रूट्स, अपनी जो आपने मुझे तालीम दी है, जो आपने मुझे तरबियत दी है, यकीन करें कि वो कोई और नहीं बदलेगा, यकीन करें कि हम जाके वो चीज़ बदलेंगे जिससे हमें मसला है, बिकॉज़ हमें लगता है कि हम जिस स्पेस में जा रहे हैं हम बिल्कुल उसके रंग में रंगे जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे पास कितनी पावर है, हमें अपने ऊपर यकीन ही नहीं है, हमें लगता है कि बस हम गायें भैंसे हैं और हमें जिस तरफ लगाया जाएगा हम लग जाएंगे। क्यों? Why do we not think that we can change the narrative, that we have the power to change the world? मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन NCA के थर्ड ईयर में जाके अपने टीचर्स से भी मेरी कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कशंस चली इसके ऊपर कि मैं पेंटिंग छोड़ के फिल्म मेकिंग करना चाहती हूँ। नाराज़ थे वो भी शुरू में, पेरेंट्स भी नाराज़ थे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, तुमने क्योंकि मेहनती लड़की हो, हमने देखा है बचपन से मेहनत करती हो, तो हम तुम्हें एक मौका देते हैं। और वो एक मौका, आपको लगता है कि यही जिंदगी और मौत का सवाल है, तो इस एक मौके को मैंने हाथ से नहीं जाने देना, उस मौके को मैंने अपना पहला और आखिरी मौका समझा। और वो मौका क्या था? एक छोटी सी क्लास असाइनमेंट थी जिसके अंदर हमें एक वीडियो बनानी थी, और मुझे लगता था कि शायद ये वीडियो डिसाइड करेगी कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ इस फील्ड में या नहीं। मेरे टीचर्स को जब मैंने स्क्रिप्ट दिखाया, उन्होंने कहा आप ये नहीं बना सकती, 3 दिन का आपके पास टाइम है, आप बहुत ओवर एम्बिशियस हो रही हैं, आप शायद समझती नहीं है कि ये काम इतना आसान नहीं है। मैंने उनसे कहा सर प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए, लेट मी ट्राई, इफ आई फेल इट्स फाइन, लेट मी ट्राई। सो आई मेड अ वीडियो which was based on some social issues, and I was 20 years old at that time, and 2 mahine baad mujhe ek call aati hai, aur wo music video Lux Style Awards ke liye main as best director nominate hui at the age of 20. wohi sare rishtedar jo mere parents ko kehte the ki tumne beti ko ijazat to de di, लेकिन देखना कहीं वो नाम ना खराब कर दे खानदान का, वही मेरे पेरेंट्स को कॉल करके कंग्रेचुलेट करना शुरू हो गए। लेकिन उनका डर तब भी वहाँ पे था, और मैं उस डर को समझती थी क्योंकि मैंने भी इंडस्ट्री को अंदर और बाहर से देखा, एंड आई अंडरस्टूड व्हाई पीपल आर स्केयर्ड ऑफ सेंडिंग देयर सन्स एंड डॉटर्स इनटू सर्टेन फील्ड्स। लेकिन जब तक आप अपने बच्चों को ट्रस्ट करके वहाँ नहीं जाने देंगे, तब तक वो जगह किस तरह बदलेगी, तब तक हम दुनिया किस तरह बदलेंगे? अगर हमने छोड़ दी लोगों के हाथ में तो बदलेगा कौन उसको? सो आई कंटिन्यूड मेकिंग फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, और मेरी जितनी भी फिल्म्स थी वो उन्हीं मसाइल के ऊपर बेस्ड थी जो एज अ वुमन मैंने फेस किए, या मेरे इर्द गिर्द की खवातीन ने फेस किए, या हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारे से भी कम प्रिविलेज लोग हैं, जिस तरह ट्रांसजेंडर लोग हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करते, जो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते, बहुत से मसाइल हैं, सेक्सिज्म मौजूद है, जहाँ पे जब मैंने काम करना शुरू किया और मैं एज ए डायरेक्टर जाती थी और मैं 50 लोगों के क्रू में जब जाके बताती थी कि आज हम ये करेंगे और आपकी ये जॉब है, आपने ये करना है, वो कहते थे मैम आप साइड पर, आप सर को भेजें, सर हमें बताएंगे क्या करना है। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं आगे से क्या जवाब दूं, क्योंकि मैं फिर मैंने कहा मैं ही सर हूं और मैं ही मैम हूं, मतलब कि मैंने ही आपको बताना है कि क्या करना है। 2-3 साल लगे मुझे हर सेट पे जाके उनको बताने में कि आपको मेरी बात रिस्पेक्टफुली सुननी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने भी एक फीमेल फिगर को लीड करते हुए नहीं देखा।
तो बहुत एक अनफॉर्चुनेट बात है कि आर्ट्स की फील्ड में या फिल्म मेकिंग की या कोई भी प्रैक्टिकल फील्ड जिसके अंदर आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन करना होता है, वहाँ पे औरत को 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि औरत को अपने आप को प्रूव करना होता है सबसे पहले, क्योंकि उसके ऊपर इतने प्रेशर्स होते हैं कि आपने माँ बाप का और अपने रूट्स और अपनी वैल्यूज साथ लेके चलनी है। आपने जिन लोगों ने, खानदान वालों ने कहा है कि ये नहीं कर सकती, उनको गलत प्रूव करना है। आपके अपने बहन भाई भी मजाक में कभी कह देंगे, शौक तो तुम्हारा है, देखना 1-2 साल में कैसे जाता है जब मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले आप अपने कुछ साल सिर्फ उनको गलत प्रूव करने में लगा देते हो, और मेरे साथ यही हुआ। पहले 2-3 साल बस मैं फिल्म मेकिंग, जिस तरह डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे थे, मैं उनकी बात सुन रही थी, मुझे बहुत ताने मिलते थे कि तुम इतनी सीरियस क्यों, तुम कोई डॉक्टर थोड़ी हो, तुम कौन से 12 घंटे के शूट पे जाती हो, अगर तुम नहीं जाओगी तो कोई, अल्लाह ना करे, फौत थोड़ी हो जाएगा, तो घर पे बैठो। बट मेरे लिए, मेरी सोल के लिए, वो जो कहानियाँ मैं बताना चाहती थी, जिन लोगों की कहानियाँ मैं बताना चाहती थी, जिन लोगों की आवाज़ नहीं थी और जिनकी आवाज़ मैं बनना चाहती थी, मेरे लिए मैं अपने दिमाग में डॉक्टर ही थी, क्योंकि शायद मैं उनकी बॉडी का इलाज नहीं कर रही, लेकिन उनके अंदर जो चल रहा है हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। समटाइम्स आप लिखी लिखाई चीज़ जो है उसको उस तरह से नहीं समझ पाते हो, लेकिन जब आप लोगों के इमोशंस को खुद फील कर पाते हो, जब आप लोगों के मसाइल को अपने मसाइल की तरह देख पाते हो, तो जिस तरह आप बात कर रही थी, पर्सपेक्टिव, आपका दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एनसीए के 4th ईयर में पेंट नहीं करूँगी, मैं वीडियो इंस्टॉलेशंस करूँगी, और मैं वीडियो इंस्टॉलेशंस के थ्रू अगेन एक सोशल इशू के ऊपर बात कर रही थी। मुझे बताया गया, तुम आर्टिस्ट हो, तुम सोशल एक्टिविस्ट नहीं हो, प्यारे प्यारे फूल बनाओ, पत्ते बनाओ, तुम क्यों मसलों मसाइल पे बात करना चाहती हो? क्योंकि जब तक हम मसाइल को हाईलाइट नहीं करते, जब तक हम उनके ऊपर डिस्कशन नहीं करते, जब तक हम आगे उसको लेके नहीं चलते, तब तक वो सॉल्व नहीं होंगे। वो मसले पूरी ज़िंदगी फिर उधर ही रहेंगे, क्योंकि हम बात ही नहीं करना चाहते, हम आंखें बंद करके प्रिटेंड करना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है। सो आई डिसाइडेड टू डू व्हाट आई वांटेड टू डू। काफ़ी अगेंस्ट जाना पड़ा लोगों के, बट आई एंडेड अप नॉट ओनली गेटिंग अ डिस्टिंक्शन बट द हाईएस्ट मार्क्स इन माई इंटायर बैच इन फाइन आर्ट्स बाई नॉट पेंटिंग बट बाई मेकिंग वीडियोज। सो द होल पॉइंट इज, आप चाहे डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, चाहे आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वो सिर्फ एक करियर नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ आपकी जॉब नहीं है, वो आपका एक लाइफस्टाइल बन जाता है। जिस तरह अगर एक डॉक्टर है, उनकी पूरी जिंदगी, उनको पता है कि किस तरह गुजरनी है, कभी भी कॉल आ सकती है, उनको जाना होगा, ठीक है। सो इफ यू आर चूजिंग अ करियर, डोंट ओनली थिंक कि आप उससे पैसे कितने कमा रहे हैं या फिर उसका स्टेटस क्या है। आपने ये भी सोचना है कि आज से 10 साल बाद जब मैं यही चीज़ कर रही होंगी, तो क्या मेरी सोल, क्या मेरी रूह जो है वो उससे सेटिस्फाइड होगी? क्या 20 साल बाद मैं बैठ के ये सोच रही होंगी कि कितना शौक होता था मुझे कि मैं ये करूँ और फिर मैं किसी को देखूँ? अक्सर मैं देखती हूँ लोग कहते हैं, हाय मुझे बड़ा शौक होता था लेकिन बस मजबूरी थी, छोड़ दिया। मजबूरी नहीं है, दीज आर चॉइसेस दैट वी मेक। और वो वाला जो रास्ता है, जो कि हमें, जिसके लिए हमारे पास बहुत रोल मॉडल्स हैं, वो रास्ता चूज करना बहुत इजी है। सो इसीलिए हम उस रास्ते को ज्यादा चूज करते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि दूसरा रास्ता खराब है या सही नहीं है। शायद आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी उस रास्ते में, लेकिन अगर आप वही मेहनत जो एक डॉक्टर अपने प्रोफेशन में कर रहा है या एक इंजीनियर जो अपने प्रोफेशन में कर रहा है, आप किसी भी प्रोफेशन में वो मेहनत करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। हमारे पास अब जाके रोल मॉडल्स मौजूद हैं जिनको देख के आप कह सकते हो कि नहीं, मैं
अपना आप बन के, अपनी वैल्यूज, अपने हर चीज को लेके ये कहानी बता सकती हूँ, मैं एक फिल्म मेकर बन सकती हूँ, मुझे एक सर्टन किस्म का इंसान होने की जरूरत नहीं है ये करने के लिए। मेरे एनसीए के बहुत से क्लास फेलोज हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान के हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लड़के लड़कियां जो कि जिंदगी में कमाल चीज़ें कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे हैं आर्ट्स की फील्ड में, टीचर्स हैं, रेजिडेंसीज करा रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तमगा इम्तियाज मिल रहा है, किसी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल रही है, लेकिन उनके पास भी कोई रोल मॉडल्स नहीं थे। सो हम जैसे लोगों को जिनका करियर पाथ डिफरेंट है, थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है, गलतियाँ भी हमारे से ज़्यादा होंगी, रिजेक्शन भी हम ज़्यादा देखेंगे, बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू दैट, यू विल फाइंड अ वे, यू विल फाइंड अ वे। मैंने एक कहानी पे 3 साल काम किया। सब कहते थे तुम अपनी जिंदगी के 3 साल एक फिल्म पे लगा रही हो, क्या मिलेगा तुम्हें ये करके? कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तो रिलीज तक नहीं होगी, ना कभी इसकी फंडिंग मिलेगी तुम लोगों को, ना कभी कोई भी क्रू मेंबर्स मिलेंगे, पाकिस्तान में तो इतनी रिसोर्सेज नहीं है, तुम लोग तो अभी इतनी छोटी सी बच्ची हो, तुम्हें सीरियसली कौन लेगा? आई हर्ड ऑल ऑफ दैट, बट आई न्यू दैट दिस इज द स्टोरी दैट आई वॉन्ट टू टेल। 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल, कैन फिल्म फेस्टिवल दैट हैपेंस इन फ्रांस, इट इज द बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान की पहली फिल्म 75 ईयर्स में वहां पे सिलेक्ट हुई, ना कि सिर्फ सिलेक्ट हुई बट वी वॉन द 2 बिगेस्ट अवार्ड्स, वी वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म एट कान फिल्म फेस्टिवल। मजेदार बात यह है कि जब हम वहां गए, हमारी टीम वहां गई और हम और फिल्म मेकर्स से बात करते थे, एजुकेशनिस्ट थे, उनसे बात करते थे, वो कहते थे आप कहाँ से हैं, वेयर यू फ्रॉम, वी वुड से पाकिस्तान। अब हमें देखते थे, कहते थे नो नो नो, पाकिस्तान से तो आप रहती होंगी ना, कभी पढ़ा कहाँ से आपने? मैं कहती थी पाकिस्तान। ओके देन वेयर डिड यू लिव? उसके बाद का पाकिस्तान, दे वर लाइक आप लोग तो वो क्लेशनकोफ, आंखों में काजल, पूरा एक सर्टन इमेज, आप लोग तो बिल्कुल वैसे नहीं दिख रहे, आप लोग को इंग्लिश कैसे आती है, आप लोग को इतनी एजुकेशन कैसे मिली है, आप लोग की शलवार घुटनों से ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कभी अपने आप को खुद रिप्रेजेंट किया ही नहीं, हमने बॉलीवुड को अपने आप को रिप्रेजेंट करने दिया नेगेटिव लाइट में, हमने हॉलीवुड को अपने आप को रिप्रेजेंट करने दिया नेगेटिव लाइट में, हमने अपनी फिल्म्स बनाई उनसे इंस्पायर होके, लेकिन अपनी कहानियां हमने कभी ट्रू सेंस में किसी को नहीं बता सुना ही नहीं सके। हमें लगा हम दिस इज नॉट समथिंग दैट वी वॉन्ट टू डू। सो आई वुड रियली, आई नो कि अभी ये शायद एक बहुत नई सी चीज़ है और बड़ा लगता है कि मुझे पूरी जिंदगी फील हुआ है कि मैं एक आउटकास्ट हूँ, शायद मैं एक क्राउड में बिलोंग नहीं करती, क्योंकि एक वाहिद मेरा हाथ होता था जो खड़ा होता था कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ 200 लोगों में। सो अगर वो 2 लोग भी जिनका हाथ खड़ा हुआ है, यू कैन कम आउटसाइड एंड टॉक टू मी एंड आई विल गिव यू ऑल दोज रिसोर्सेज जो मुझे लगता है आप इस्तेमाल करके अपनी फील्ड के अंदर इंटेग्रिटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ अपनी सच्चाई को आगे लेके आ सकते हैं। और वही लोग जिनको शायद आप पे आज यकीन ना हो, और वो उनका कसूर नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी वो देखा नहीं, लेकिन व्हेन यू गो देयर द सेम पीपल विल बी प्राउड ऑफ यू, द सेम पीपल विल स्टैंड एक क्राउड के अंदर और आपके लिए तालियां बजाएंगे। और आज भी कभी कभार जब मुझे लोग आके कहते हैं यू आर आर प्राइड, तो मुझे बहुत अजीब महसूस होता है, क्योंकि आज से शायद 2 साल पहले तक मुझे ये कहा जाता था कि कुछ पता नहीं कैसी फिल्में बनाएगी, क्या नाम डुबाएगी, क्या नाक कटवाएगी, बट आई डिड इट। एंड मुझे नहीं पता था, ना मैंने वो पढ़ा, ना मैंने वो किया, इट वॉज जस्ट पैशन ड्रिवन, पैशन था, रास्ता खुद ढूंढा, एक इंसान मिला, उस इंसान के साथ काम के एक और टीम मिली, एक और टीम मिली, आई न्यू कि मुझे किस चीज़ के ऊपर काम करना है, खाली फिल्म नहीं बनानी, मुझे किस तरह की फिल्म बनानी है, मैं अपनी फिल्म के थ्रू कहूँगी क्या, मेरा इस सब का मकसद क्या है।
सो जितने भी आप लोग बैठे हैं, फिलहाल करियर बहुत दूर है, अभी 2-3 साल शायद आप लोग वेट कर सकते हैं, लेकिन पहले सोचें आप अपनी जिंदगी का मकसद क्या बनाना चाहते हैं। क्या वो सोशल वर्क है, क्या आप कम्युनिटी को हेल्प करना चाहते हैं? ठीक है, अगर वो करना चाहते हैं, उसका एक तरीका नहीं है, उसके भी 4 तरीके हैं। वो 4 तरीके क्या है, आपके लिए सस्टेनेबल तरीका क्या है, जो कि आप अगर 15-20 साल भी करोगे तो आप ग्रो करते रहोगे। आप, मैं पहले थिएटर डायरेक्टर थी, उसके बाद मैं एक पेंटर बनी, उसके बाद मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनी, उसके बाद मैं एक आर्ट डायरेक्टर बनी, आज एट द एज ऑफ 27 आई एम एन अवार्ड विनिंग फिल्म प्रोड्यूसर, एंड आई हैड नो आइडिया दैट दैट वाज पॉसिबल। सो हूएवर थिंक्स, स्पेशली हमारी जो हमारे से पहले की जनरेशन की जो हमारी माएँ हैं और हमारी टीचर्स हैं, आई वुड से अपने बच्चों को एक दफ़ा एटलीस्ट मौका दें, उनसे डिस्कस करें कि वो क्या करना चाहते हैं, और अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मुश्किल है उनके लिए लेकिन नामुमकिन नहीं है, एंड अगर वो उसके अंदर पैशनेट है तो ट्रस्ट मी, वो किसी और चीज़ में कभी एक्सेल नहीं कर पाएंगे, वो कुछ और ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे, एंड देयर लाइफ विल जस्ट बी अ वेस्ट। So why waste your kids' life with, you know, when they can actually, literally make not just you but your entire country proud while being true to themselves? So aap mein se agar koi bhi interested hai arts ki field mein, hamare saath abhi Kiran bhi baithi hain, ye bhi NCA se hain, kal ek stall bhi laga tha, aap bahut zyada cheeze hain, resources hain jo ki main Kiran ko bhi deke ja sakti hoon। अभी भी हम एक फिल्म बना रहे हैं गोजाल में, गिलगित में, जो कि गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर है। सो द अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस। दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर। अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कोई चीज पूछना चाहते हैं, तो प्लीज लेट्स मेक इट इंटरैक्टिव। किसी को कोई सवाल? यू गाइज आर स्टिल नॉट इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, राइट? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस सना जाफरी, योर पैशन फॉर योर फील्ड इज इंडीड ऑल इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच।